हेलो गाइज, आपके अपने चैनल शेयर मार्केट टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में गाइज हम बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, जो करंट आईपीओ चल रहे हैं और साथ में उनकी कई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए आज बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिन्होंने रुचि सोया आईपीओ से किया होगा विड्रॉल उनको लगने वाला है बुरा, और जिन्होंने नहीं विड्रॉल किया होगा उनको अच्छी फीलिंग आने वाली है। यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें हमें अच्छी खासी डिमांड निकलती हुई आज दिखी है। तो चलिए देखते हैं हम सारी डिटेल्स। आप किसी आईपीओ में लगा के बैठे हो या लगाने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो गाइस वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, एंटर देखने का जब चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आईपीओ शेयर रिलेटेड जनरल अपडेट्स हमेशा मिलती रहेगी। तो गाइस पहले देखते हैं वीरांदा लर्निंग का। आज इसका है लास्ट डे, यानी क्लोजिंग डे है, 31st क्लोजिंग है। ऑफर का प्राइस 637 रुपये है। जो लॉट का साइज़ है वो 100 का रखा गया है। करीब 200 करोड़ का आईपीओ है, अपने आप में पहला ऐसा आईपीओ जो लिस्ट होने वाला है। इसका फाइनल डिसीजन वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं और अपना डिसीजन खुद आप ले सकते हैं इस आईपीओ में लगाना है नहीं लगाना है। यहाँ पे दो दिन तक का जो सब्सक्रिप्शन डेटा हमें देखने को मिला है वो 1.31 देखने को मिला है। ओवरऑल रिटेल ने 6.99 टाइम, एनआईएस ने 1.06 टाइम और क्यूआईबीज ने 0.28 टाइम कर दिया है। ऐप वाइज सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 6.94, यानी किसी 7 में से एक रिटेलर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाला है फिलहाल डेट 2 तक के सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग। यहां पे करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो गाइस 12 से 15 रुपये तक देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ट्रेड है लो है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता होने दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे नो ट्रेड मेंशन है। तो गाइस 12 से 15 रुपए का मतलब ये है कि करीब करीब आपको 1500 तक का ग्रे मार्केट में डिमांड निकलता दिख रहा है। अगर जो सब्सक्रिप्शन हुआ तो ट्रेड अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे अच्छी खासी इसमें तेज़ी भी आती हुई देख सकती है। तो आप इस आईपीओ में जाने से पहले फाइनल डिसीजन वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाने वाला है क्या करना है। यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमें अच्छा खासा 10% तक का लिस्टिंग इन देता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है हरिओम पाइप इंडस्ट्री। हरिओम पाइप रहने वाला है 5 तक ओपन और यहाँ पे 144-153 रुपये इसका प्राइस बन रखा गया है। 98 शेयर्स का लॉट साइज है। इसका भी डिटेल रिव्यू चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर जो आपने नहीं देखा है तो बेहद ही शानदार और आसान भाषा में आपको समझाया है हरिओम पाइप में। आप उस डिटेल रिव्यू को देखने के बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें लगाना है या नहीं लगाना है। जो डे वन पे सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 0.67 टाइम हुआ है। यहाँ पे रिटेलर्स ने अपना कोटा फुल कर दिया है। NIS 0.02 टाइम और QIBs यहाँ पे नहीं है। बात करें यहाँ पे हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो गाइस यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो जीरो निकलता हुआ दिख रहा है, मतलब कोई भी ट्रेड होता हुआ नहीं दिख रहा है साइज छोटा होने की वजह से। तो यहाँ पे अगर जो ग्रे मार्केट में डील नहीं निकल रही तो कैसे आईपीओ में लिस्टिंग इन मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पीछे कई सारे ऐसे आईपीओ हैं, रिसेंट आईपीओ HP एडेंसी था जिसमें ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं निकल रही थी लेकिन उसमें लिस्टिंग इन देखने को हमें मिला था। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको लिस्टिंग इन ना मिले। डिटेल रिव्यू देख लेना, आपको समझ में आ जाने वाला है इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा आपको या डिस्क्रिप्शन में भी देने कोशिश करूंगा, देख लेना आप। तो यहाँ पे डिमांड बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। नेक्स्ट है उमा एक्सपोर्ट की कल हो चुकी है क्लोजिंग। जिन्होंने लगाया होगा उन्होंने थोड़ा रिस्क लिया है इसमें, मैंने बताया था कल फाइनल डिसीजन वाली वीडियो में और टेलीग्राम पे भी आपको शेयर किया था। ऑफर का प्राइस काफ़ी जनरल रखा गया है, इसलिए इस आईपीओ में थोड़ी बहुत लिस्टिंग इनकी उम्मीद की जा सकती है। 65-68 रुपये, लॉट साइज 220 शेयर का है और यहाँ पे गाइस जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 7.67 टाइम हुआ है। सिर्फ 60 करोड़ का आईपीओ, सिर्फ 7 गुना सब्सक्राइब हो तो ये कहीं ना कहीं जीरो के बराबर ही है, मतलब बहुत ही कम है, इतना नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कोई भी ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं निकल रही है। जो ऐप वाइज सब्सक्रिप्शन है 8.95, यानी 9 में से किसी एक को मिलना है। बात करें गाइस नेक्स्ट आईपीओ की, उसके पहले ही यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, अगर जो आपने मैं टेलीग्राम पे नहीं फॉलो किया तो गाइस टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती है। साथ में देखिए FNO स्टॉक FNO इंडेक्स FNO की कॉल भी देखने को मिल जाती है। कल का स्क्रीनशॉट है, रिलायंस की कॉल दी गई थी और काफ़ी शानदार प्रॉफिट लोगों ने कमाया था और ये सब एक स्क्रीनशॉट है, कल 4 से 5 कॉल दी गई थी। इसके साथ आपको सिर्फ यही नहीं, शॉर्ट टर्म कॉल भी देखने को मिल जाती है, इंट्राडे कॉल भी देखने को मिल जाती है, BTST भी दे देते हैं और यहाँ पे इसके साथ साथ आपको मार्केट के सारे रिसेंट अपडेट्स, सारे रिसेंट और रिफाइंड न्यूज़ देखने को मिल जाती है SMT के टेलीग्राम हैंडल पे और गाइस इंस्टाग्राम पे, दोनों जगह अगर जो आपने हमें फॉलो कर रखा है तो आपको मार्केट की सारी अपडेट रहने वाली है। अगर जो आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर ही पिन किया हुआ मिल जाने वाला है इसका लिंक, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर जो आप नहीं क्लिक करके ज्वाइन कर पा रहे हैं तो गाइस आप हमें शेयर मार्केट टॉक्स के नाम से भी फाइंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, आपको चैनल मिल जाने वाला है। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया उमा एक्सपोर्ट में कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है गाइस रुचि सोया भाई, जिन्होंने विड्रॉल कर लिया होगा भाई उनको बुरा लगने वाला है, मैंने बोला था। तो रुचि सोया में जो विड्रॉल हुआ है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज देखने को नहीं मिला है। कल मैंने आपके लिए वीडियो डाली थी सुबह, अगर जो आपने नहीं देखी है तो देख लें, एक न्यूज़ वायरल हो रही थी हिंदुस्तान टाइम्स की कि जो सब्सक्रिप्शन डेटा है वो 3.5960 था समथिंग करके,
2.58 आ गया। तो गाइस वो न्यूज़ गलत थी, कुछ ग्लिच की वजह से ऐसा हुआ था और वो सब कुछ डिटेल में बताया है। अगर जो आपने नहीं देखा देख लेना। और आई विश कि आपने इसको विड्रॉल नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक मीटिंग की भी बात कही जा रही है कि लिस्टिंग के जस्ट एक दिन पहले कि 31st को यानी कि आज या 1st of March को हो सकता है रामदेव बाबा जो इनके मैनेजमेंट हैं, जो मैनेजमेंट टीम है, एक मीटिंग करें और डिसाइड करें कि इसका जो प्राइस बैंड रखा गया 650 लिस्टिंग उस पर ना करवा के 615 पे ही करवाया जाए, ताकि रिटेलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। अगर जो ऐसा हुआ तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है। यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें गाइस तो 35, 38, 39, 40 रुपीज़ तक भी डिमांड हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखें अगर जो एक लॉट में एक्सपेक्टेड लिस्टिंग आने की तो करीब आपको 800 रुपये से 900 रुपये तक का डिमांड देखने को मिल रहा है। भाई 1000 रुपये हो चुका है, मतलब यहाँ पे करीब 5-6% 7% का लिस्टिंग देता हुआ दिख रहा है। अगर जो 615 वाला न्यूज़ सामने आ गया कि 615 पे ही लिस्ट होगा तो आपको शानदार और ह्यूज इसमें डिमांड निकलती हुई देखिए ग्रे मार्केट में, और अच्छा खासा फायदा होगा जिन्होंने अप्लाई किया है। इसलिए मैंने कहा था विड्रॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस यहाँ पे आपको सारा ग्रे मार्केट प्रीमियम पता है, सारी डिटेल पता है। इसके बाद भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यहाँ पे आप जेन्युइन अपडेट्स हमेशा मिलती रहेगी। टेलीग्राम पे आपके लिए काफी कुछ रखा हुआ है, काफी कुछ अपडेट करते हैं, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। करते हैं वीडियो। थैंक यू वॉचिंग।